कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं बढ़िया हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आपने अभी सिनेमेटिक शॉर्ट्स में देखा कि मैं अभी जस्ट उठा ही हूँ और सीधा ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो आज का ब्लॉग आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरे लिए सबसे डेंजरस, क्योंकि आज मिड टर्म एग्जामिनेशन का पहला दिन है और लिटरली बताऊंगा आज तो मेरे को कुछ भी नहीं आता है। रात को मैं लगभग 1-2 बजे तक सोया था और पढ़ा मैंने बड़ा कम था, लगभग 11 बजे तक पढ़ा। उसके बाद फ़ोन ही चलाया था, नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा था कि सुबह पढ़ूंगा और सुबह मेरे से उठा नहीं गया। अब 7 या 7:30 बज ही गए हैं, तो हाँ 7:30 हो रहे हैं अभी। तो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं वो क्लियर करने हैं 1-1.5 घंटे में, फिर मैं मिलता हूँ आपको 9:30 बजे के करीब। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या होता है। ब्लॉग में बने रहे गाइस, तो अभी चलते हैं और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइस जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को लाइक भी कर देना। तो गाइस 9:30 हो चुके हैं और मैंने थोड़ा बहुत सिलेबस कवर कर लिया जितना हो सकता था, मेरे से ज़्यादा तो पढ़ा नहीं गया। 1-1.5 घंटे में क्या ही पढ़ लेगा बंदा। तो अब देखते हैं पेपर में क्या आता है। तो पेपर पे डिपेंड करता है कैसा आता है पेपर, अगर ईजी आया तो पास हो जाएंगे और नहीं आया तो फेल हो जाएंगे, ऐसा ही होगा। तो वो पेपर पे डिपेंड करता है। तो अभी मैं नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में गाइस। तो गाइस ना दो के पूरा फ्रेश हो गया हूँ और टाइम हो रहा, अभी देख सकते हैं आप टाइम हो रहा है 10:10 हो रहे हैं। वैसे करते हैं अभी निकलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, 10:30 मेरा पेपर है तो 15 मिनट रहे हैं। तो लाइट ऑफ कर देता हूँ, तो डोर भी बंद कर देते हैं, हम निकलते हैं। और तो अब थोड़े बाल भी सेट कर देते हैं, बढ़िया। तो अब चलते हैं कॉलेज। तो ये है अपनी यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 5 पर मैं इधर से जाऊंगा, मैं जाऊंगा सीधा शॉर्टकट से आगे से। तो चलते हैं अभी। सो गाइस बड़े दिनों के बाद मौसम साफ हुआ, देख सकते हो आप ऊपर स्काई बिल्कुल क्लियर है। तो अभी चलते हैं कॉलेज और ये शॉर्टकट है, इधर से अंदर एंट्रिंग करूंगा मैं, गेट है उसके अंदर से होके जाएंगे हम। और मौसम तो गाइस देख ही सकते हो आप कैसा हो रखा है, बड़े दिनों बाद धूप निकली है तो एनर्जी जैसी फील हो रही है लगी। तो चलते हैं अभी। और सच बताऊँ तो गाइस मेरे को पेपर का बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मेरे को बड़ा कम आता है और वो पेपर में नहीं आया तो फेल भी हो सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी चलते हैं और पहाड़ तो देख ही सकते हो आप, पता नहीं कैप्चर कर रहा है कैमरा कि नहीं, पर जितना हो पा रहा है उतना बताऊँगा आपको। तो इन पहाड़ों के बीच अगर आपका कॉलेज हो तो आप क्या ही फील करोगे, अलग ही वाइब होती है यार। गाइस देख सकते हो बारिश हुई थी ना, तो ये सारा ऊपर से एक पेड़ गिर गया है। तो अब देखते हैं कैसे जाना मेरे को इधर से। तो थोड़ा बहुत रास्ता बना था तो ये सारा पेड़ टूटा पड़ा इधर, तो इसको क्रॉस करेंगे हम। तो ये है मेरा कॉलेज जो कि छोटा सा गेट है इसका, और वो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस आपका अगर कॉलेज पहाड़ों के बीच हो तो अलग ही वाइब होती है, तो बड़े बड़े पहाड़, क्या ही मौसम हो रखा आज। और पेपर में देखते हैं क्या होता है, पेपर के बाद मिलूँगा आपको थोड़ी देर में। और ये हमारा कॉलेज। बताओ बताओ अपने बारे में बताओ। हाँ संचित आता पेपर, अभी ना क्या आया देखो, आता पेपर ना क्या आया आप तो जा रहे हो ना, जा रहे हो कैंप पे, ब्लॉग में बताओ कुछ जूनियर्स देखते हैं, बता दे जूनियर्स को बता दे ब्लॉग में कुछ। अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया, अभी बोल कुछ तुम ही कंटेंट दे मेरे को। आज का पेपर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बड़ी बड़ी है, सब कुछ पढ़ा रही है। तो हमारी पूरी क्लास पढ़ रही है गाइस, देख सकते हो आप, बंदे खतरनाक ही पढ़ रहे हैं और मैं जरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे को कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ उनसे। तो सारे पढ़ रहे, एक बंदा नया ज्वाइन हो गया वही कर रहे हैं, और ये सबसे पढ़ रहे हैं संचित भाई, हमारे सबसे ज्यादा पढ़ रहे, इतने ज्यादा नोट्स बनाए हैं।
आता है तो देखते पेपर के बाद। गाइस ये है मेरे कुछ नोट्स जो कि मैंने बनाए थे, अब इनको 5-10 मिनट रिवाइज करते हैं फिर चलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और उधर बैठते मेरे पेपर देते हैं। और वादियाँ देख ही सकते हैं आप, हमारी क्लासेस से कुछ ऐसी वादियाँ दिखाई देती हैं तो अलग ही वाइब देता है। तो अपना एग्जामिनेशन हॉल खुल गया तो अंदर चलते हैं, बैठते हैं और एग्ज़ाम देते हैं फिर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम एग्ज़ाम दे के आ गए हैं और पूछते हैं अंदर से कि कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। तो चलो अब रितेश से पूछते हैं कि कैसे हुआ उसका पेपर, बता रितेश। पेपर आज थोड़ा मीडियम था, मैडम ने पिछला रिपीट कर दिया था, बस एक क्वेश्चन आया है जो हमें नहीं आता था। चल ठीक है। शिवांशु पेपर कैसे हुआ बता दे थोड़ा सा। नॉर्मल था ना शिवांशु? तो बाकी तो 3 चले गए हैं और हम चलते हैं, स्कूटी में बैठते हैं और चलते हैं फिर कहीं, क्योंकि कल छुट्टी है तो देखते हैं अब। भाई कैसा गया आपका पेपर? ब्लॉग बन रहे हैं, बोलना चाहोगे ब्लॉग में कुछ? क्या बोलेंगे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा शारुल ब्लॉग में बोलेगा कुछ? पहली बार पिक्चर हो रहा हूं। अरे बढ़िया। पेपर कैसे हुआ शारुल? पेपर कैसे हुआ? पेपर क्वेश्चन पेपर में लिखते लिखते पकड़ा गया भाई, 5 मिनट इसको देखते रहे, क्वेश्चन पेपर में लिख रहा है शारुल भाई, क्या बात है। कोई सीन नहीं हो गया, पेपर बढ़िया होना चाहिए बस। जा रहे घर जा रहे तुम? तूने क्या करना है? तेरा पेपर कैसे हुआ? बढ़िया हुआ। हाँ तो बढ़िया। तो अब देखते हैं कुछ खाने का प्लान बन रहा है, वो बैठते हैं थोड़ी देर फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइस गाइस अभी हम आए हैं थोड़ा फास्ट फूड लेने, तो खाएंगे कहीं बैठ के खाएंगे फिर देखते हैं। रितेश भाई क्या मंगाने लगे हो? मोमो चाउमीन चाइनीज? तो ऐसी कुछ लोकेशन है जहाँ से हम थोड़ा बहुत फास्ट फूड लेंगे फिर चलेंगे कहीं घूमने और वहाँ बैठ के खाएंगे। अब हम आ गए हैं कुछ ऐसी लोकेशन में, बताता हूँ आपको लोकेशन में। तो ये है पालमपुर के टॉप, पहले भी आपने ब्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा तो देख लो। और स्कूटी वगैरह यहाँ पे पार्क कर दी हमने, तो अभी बैठते हैं उधर और खाते हैं थोड़ा इंजॉय करते हैं फिर मिलते हैं। किसकी पैंट फटेगी? अर्नव की। ओहो हो गया, तो चलते हैं अब आप यहाँ आके, बढ़िया लग रहा है ना। और वादियाँ देख सकते हो आप, क्या सीन है। और ओए 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 डर रहा। तो ऐसी कुछ लोकेशन है और बैठते हैं हम यहाँ पे। अरे घासी बड़ा तो यहाँ पे बारिश हुई है ना, तो घासी घास हो गया। तो ऐसी लोकेशन में जा रहे हैं हम अभी, और इधर पत्थर पे बैठेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, होना देखो तुम अभी तक हर बंद बंदे कितना गंदा। रितेश तेरे लिए पिल्लो, सो जा उठा ले। मेरे क्या है संचित, मैंने क्यों लाना लंच घर से? फोन लंच नहीं लाया तुम? मेरे को घर से फोन आ रहे थे। तो अब खाते हैं और संचित भाई ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। चार चार आए हैं कि तीन तीन आए हैं? अभी हो रहा है मोमो भी है अभी, ये स्प्रिंग रोल बड़े बार मजा आ जाएगा गाइस। ये तो जरा हमारे पास प्लेट रखने के साधन नहीं है, तब कुछ पहाड़ों के बीच हम खा रहे हैं स्प्रिंग रोल। चेयर्स कर लेते हो? चेयर्स कर लो, तीन हो गए ना। चेयर्स चेयर्स लेट ही खराब कर लिया, सोंगी हो गया थोड़ी ना। तो गाइस हमने मोमोज और स्प्रिंग रोल फिनिश कर दिए हैं और अब ऐसे ही बैठे हैं थोड़ी देर हवा ले रहे हैं, ये तो बस जाने की तैयारी में लगे हैं। और मैं बैठता हूँ थोड़ी देर, फ्रेश हवा आ रही है सीधी माउंटेन से, उसको एंजॉय कर रहा हूँ। और अब पेपर परसों हमारा, कल छुट्टी है तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा बहुत एंजॉय किया जाए, तो वो एंजॉय कर लिया। अब चलते हैं रूम, और अगर बीच में कुछ ब्लॉग में बताना होगा तो बता दूंगा आपको मैं। तो अभी चलते हैं और मिलता हूं आपको मैं थोड़ी देर में। तो अब हम इस जगह को छोड़ रहे हैं और चलते हैं अब वापस।
तो गाइस मैं आ गई हूँ अब सौरभ बंदियार में, ब्रिज पे खड़ा हूँ और व्यू तो देख ही सकते हो कितना प्यारा व्यू हो रखा है। और नीचे है खड, पता नहीं क्या नाम है इस खड का, पर मेरे को इतना पता कि ये सौरभ बंदियार है। और ये हमारे कॉलेज से लगभग 5-10 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप पालमपुर आए तो यहाँ पे ज़रूर आना, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा प्लीजेंट प्लेस है। तो ऐसी कुछ लोकेशन है, बड़ी लोकेशन है, मतलब मज़ा आएगा आपको यहाँ आके। पर एक ये ब्रिज ही है, पर एक नीचे ब्रिज है, और जो नीचे मेन सौरभ बंदियार है वहाँ पे एक्वेरियम वगैरह रखा है, और थोड़ा बहुत पार्क है, एक स्विमिंग करने के लिए थोड़ा पूल जैसा बनाया है जहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है। स्विमिंग पूल भी तो नहीं बोल सकते, पर पाउंड जैसा है जहाँ पे बोटिंग होती है। और अगर गाइस लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और ये खड देख सकते हो और पहाड़ देख सकते हो, और बादल भी आ रहे हैं, तो चलते हैं अब। और इन फोटो शूट हो गया इनका, तो अब निकलते हैं रूम के लिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।